हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है वो है शाम से स्टार्ट है, और मैंने ये ना सुबह लिया था सरसों पालक का साग। तो आज पहली बार सर्दियों में बन रहा है, मतलब सर्दियां तो अभी नहीं शुरू हुई हैं, बट सीज़न चेंज होते ही ना पहली बार बन रहा है साग मेरे घर पर। और मैं इसको साफ़ करके काट रही थी, और मैं ज़्यादा बारीक बारीक करके ये नहीं काटूंगी, क्योंकि ये ना आजकल तो मिक्सी में पिसता है, क्योंकि मेरे पास घोटा नहीं है ना जो घोटने वाला होता है। वैसे तो मैं घोट लेती हूँ, बट अभी वो हमारा टूट गया है, तो मैं आज मिक्सी में ही पीसूंगी। और यहाँ पे ना फिर मैं साग काटूंगी और उसके बाद अच्छे से धोऊंगी। और अभी सरसों पालक ही आई हैं बाज़ार में, तो बस इसी का ही साग बनाऊँगी, और साथ में लगाऊँगी मक्के का आलन, मक्के के आटे का, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे ना सारा साग कट गया है, और जो भी इसमें कूड़ा कबाड़ा जो होता है ना, घास वगैरह, वो ज़्यादा नहीं थी और अच्छे से साफ़ हो गया। सरसों पालक ना फ्रेंड्स बहुत ही आराम से साफ़ हो जाती है, बाकी जो मेथी होती है ना उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ करने में। तो यहाँ पे ये जो बाल्टी है ना, ये हमारी किचन की ही बाल्टी है, मतलब किचन का ही काम होता है, चाहे हम इसमें सब्जी धो लें या फिर बर्तन साफ़ कर लें, तो किचन से ही रिलेटेड मतलब इसमें काम होते हैं। और ये बाल्टी फिर मैंने एक बार धो के ना फिर इसमें अच्छे से साग को धोया, और साग को ना बहुत अच्छे से धोना चाहिए ताकि जब हम खाएँ तो वो किरकिरा सा ना लगे। और अभी बस साग को अच्छे से धो के चलनी में पसा के और कुकर में रख दूँगी इसे बनने के लिए। तो सिम गैस पे रखती हूँ, और 5-6 में सीटी आएंगी सिम गैस पे, तो ये बिल्कुल अच्छे से जो उसके पत्ते हैं वो गल जाएंगे, और उसके बाद मैं इसको मिक्सी में पीसूँगी। और मक्के का आटा भी है नहीं, तो अभी मंगाया है मैंने साथ में। तो यहाँ पे देखिए फुल हो गया कुकर एकदम, और अभी थोड़ा सा ना साग रह गया है, तो मैं अभी इसको क्या करूँगी कि नमक डाल के और हरी मिर्च डाल के अदरक डाल के ना इसको बंद करके, मतलब कुकर का ढक्कन नहीं लगाऊँगी, लेकिन इसको ना ऐसे ही रख दूँगी। और ये देखिए 4 हरी मिर्च डाली है मैंने इसमें, और कुकर को ऐसे ऊपर ढक्कन रख दूंगी इसके, और बाकी जब ये पच जाएगा ना साग, जब थोड़ा सा नीचे बैठ जाएगा भाप से, तब इसमें जो भी बच रहा है साग वो मैं डाल दूंगी। तो यहाँ पे पूरा जो कुकर है वो भर गया था एकदम फुल, और साग मेरा सारा आ चुका है। और अभी थोड़ा सा ना सिम करके गैस इस कुकर के ऊपर ऐसे ढक्कन लगा दूँगी। तो आप कैसे बनाते हो फ्रेंड्स साग, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरे हाथ का साग ना बहुत पसंद आता है सबको। तो बस अभी देखिए साग ना बहुत ज़्यादा फुल हो गया था, और मैं इसको अच्छे से सेट कर रही थी साग को कि सारा साग में कुकर में ही अंदर आ जाए। तो अभी बस मैंने इसको कुकर का ढक्कन ऊपर से बंद कर दूंगी, और नमक मैंने डाल दिया है, और नमक डाल के ज़रूर साग बनाना चाहिए ताकि पत्ते जो हैं इसके गल जाते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने ढक्कन लगा दिया था, और अब देखिए साग बिल्कुल नीचे बैठ गया है। अब मैं इसको कुकर को जो है बंद कर दूंगी। और हमारे घर में इतनी चूहियाँ हो रही है ना फ्रेंड्स, आपने देखा होगा ब्लॉग में, अभी चूहियाँ गई है यहाँ से सिंक के पास से, इतनी चूहियाँ हो रही हैं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। और बस मैं सोच चाह रही थी कि पता नहीं कैसे जाएंगी चूहियाँ। तो अभी ना फ्रेंड्स बस मैंने ढक्कन लगा दिया है अच्छे से, अब इसमें ना सिम करके रख दिया, 2-3 सीटी आएंगी, तो देखो ये अच्छे से गल गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। और जो उसका पानी है ना वो मैं सारा निकाल दूँगी साग का, फिर इसको ना मिक्सी में पीस लूँगी। तो आज का जो व्लॉग मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ ना कि आजकल, तो हाँ जी मैं ये कह रही थी आपसे कि आजकल जो दिन है ना वो बहुत जल्दी कब ख़त्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, और स्पीड बहुत तेज़ बढ़ानी पड़ती है काम की। तो घटते दिनों में कैसे करती हूँ मैं अपने घर के सारे काम। तो अभी जैसे कि शाम का ही व्लॉग है, तो देखिए साग बन चुका है, और ये अच्छे से मिक्सी में मैंने पीस के इसमें मक्के के आटे का आलन लगा दिया है। और मैं अपना ना हिसाब से ही लगाती हूँ, मुझे ऐसे नाप तोल के नहीं आता है मक्के का आटा का आलन लगाना साग में, नाप तोल के ही अच्छे से अपने, मतलब मुझे एक्सपीरियंस है ये सोच लो आप। तो मैं अच्छे से आलन लगा देती हूँ, और यहाँ पे फिर मैंने लहसुन जीरा अदरक और साबुत लाल मिर्च डाल के ना साग को छौंक दिया है। तो सारा साग नहीं छौंका है मैंने, क्योंकि अभी
लहसुन का है तो फिर कल हो जाएगा ट्यूसडे, और ये मंडे का ब्लॉग है ना, और ट्यूसडे को अगर हमें खाना भी होगा तो लहसुन के बिना ही खाएंगे हींग जीरे का। और यहाँ पे ना इतने सारे कीड़े हो रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है लाइट जला के अगर खाना बनाते हैं तो। फिर मैंने मक्के के आटे की रोटी बनाई है, वैसे तो मैं ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ, मुझे इतना अभी आता नहीं है, बट ये है कि एक दो जनों के लिए आराम से मैं मक्के की रोटी बना सकती हूँ, और हाथ से ही बनाती हूँ मैं, जैसे हाथ से पटकार के बनाते हैं ना मक्के की रोटी, छोटी छोटी पतली पतली, अभी मुझे इतना ही आता है। और इनको बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड जी को बहुत पसंद है मक्के की आटे की रोटी, तो इनकी वजह से मुझे बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे बस साग बन चुका है, और अभी बस देने जा रही हूँ इनको साग मक्के की रोटी, साथ में लोनी और झुकी हुई मिर्च। तो मुझे ना किसी ने कमेंट किया था कि पूजा देहरादून ब्लॉगर सनी ने कि आप जब भी झुकी हुई मिर्च बनाओ तो उसकी रेसिपी हमारे साथ ज़रूर शेयर करना। तो अभी तो थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रही हूँ, लेकिन एक दिन ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे फिर मक्के की रोटी ना, तो फिर मैं भी एक एक करके ही बना रही हूँ, और देकर भी आना है मुझे। तो फिर अभी बस तीन चार ही रोटी बनाऊंगी, और अपने लिए बनाऊंगी गेहूं की रोटी। किस किस को पसंद है मक्के की रोटी और सरसों का साग? और सरसों के साग में खूब सारा घी डल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है। अब तो सर्दियों में बस साग, गाजर, गोभी ये ही आएंगे, मटर, और इसके अलावा कोई सब्ज़ी ज़्यादा नहीं आएगी। तो यहाँ पे बस बन गई है मेरी एक मक्के की रोटी, और जो दूसरी तवे पे है ना उसको मैं पलट कर फिर खाना देने के लिए जा रही हूँ इनके लिए। तो ये देखिए खाना एकदम कितना स्वादिष्ट लग रहा है। किस किस को पसंद आ रहा है मेरा ये मक्के की रोटी साग? और मूली बहुत ज़रूरी होती है, जब साग बनता है तो मूली का जो सलाद है वो ज़रूर खाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का तो यहीं का व्लॉग है, अब ये है ट्यूसडे का व्लॉग। तो फिर से एक बार गुड मॉर्निंग, वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में। तो बस सुबह सुबह का वही एक रूटीन बन गया है मेरा कि गर्म पानी पीना, एक गिलास गर्म पानी पीऊँगी और उसके बाद करूँगी अपने घर के सारे काम। तो बस यही है कि 7 कप बच जाते हैं ना सुबह के, मतलब बच्चों को 6:30 बजे भेज कर, उसके बाद चाय पीते पीते ना 7 कप बच जाते हैं, पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी जल्दी दिन भाग रहा है ना। और आगे आगे तो और भी सर्दी के दिन आ जाएंगे, तो जब तो और भी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी काम की, पूरा दिन निकल जाएगा काम में। अब तो चलो ये था कि गर्मियों में थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता था दोपहर में, थोड़ा सा 2-3 घंटे का, पर अब तो शायद बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा। और कह रहे हैं कि इस बार जैसे कि गर्मियाँ खूब पड़ी हैं तो सर्दियाँ भी खूब ज़्यादा पड़ेंगी। तो अभी तक तो गर्मी है अभी काफ़ी, जैसे हम काम करते हैं ना तो गर्मी लगती है, बाहर जाते हैं तो गर्मी लगती है, बट पहले से मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। और ठंडे ठंडे पानी के छींटे मारते हुए अपनी नींद को मैंने भगा दिया है और आलस को दूर कर दिया है। फिर चलते हैं बाहर की साइड, और ये देखिए कितना अच्छा प्यारा मौसम हो रहा है। कौन कौन बाहर जाता है जब उठ के एकदम, और ठंडा ठंडा मौसम देखने के लिए? मैं तो ज़रूर जाती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि किसको लगता है कि बाहर सुबह सुबह जाओ, देखो आज का मौसम कैसा है, कैसे ठंडक है आज। तो मेरा तो ये डेली का ही काम हो गया है। और उसके बाद मैंने बच्चों का नाश्ता बना के उनको लंच पैक करके उनको दे दिया है, और फिर मैंने लगा ली है मशीन। तो फ्रेंड्स मुझे ना अभी थोड़ा सा बाज़ार का भी काम रहेगा, और साफ़ सफाई भी चल ही रही है हमारी, तो अभी बस यही है कि करवा चौथ आ रही है तो शॉपिंग तो बनती है, और देखते हैं कब टाइम मिलेगा। अगर आज टाइम मिला तो मैं आज ही चली जाऊँगी, बाकी देखती हूँ कब टाइम मिलेगा, क्योंकि काम बहुत डबल डबल हो रहे हैं और दिन भी बहुत छोटे होने लगे। तो बस कपड़े मैंने यहाँ धो दिए हैं और सारे कपड़े मैंने सुखा दिए हैं, तो धूप भी अच्छी निकल रही है, सूख जाते हैं कपड़े आराम से। तो फ्रेंड्स सोचा कि अभी 10 बज गए हैं, काम तो मेरा सारा हो ही गया, चलो मार्केट चलते हैं। और यहाँ पे मैं मार्केट आई हूँ, मुझे मम्मी जी के लिए लेने थे करवा चौथ पे जो उनको साड़ी मींस के देते हैं ना, वो लेनी थी। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, बट मैंने साड़ी देखते देखते ना ये देखने लगी, और यहाँ पर ना शॉप पर भैया मना करने लगे कि आप वीडियो मत बनाओ, ऐसे नहीं बनाते हैं। तो इसीलिए बस फिर मैंने ज़्यादा नहीं बनाई, और मैंने क्या क्या खरीदा वो अगले व्लॉग में दिखाऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा।